हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा फ्लावर गार्डन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मोर पंखी के बारे में। इस मोर पंखी का बॉटनिकल नेम होता है थूजा। आप इसे ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह अपने घर में रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यह एक डेकोरेटिव प्लांट भी माना जाता है। इसको अपने घर में रखेंगे तो काफी अच्छा फील होगा। यह एक काफी अच्छा पौधा भी है। यह वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा पौधा माना जाता है। यह एक मेडिसिनल प्लांट भी है, इसकी होम्योपैथिक में दवाई बनती है। तो फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में बात करेंगे मोर पंखी की देखरेख कैसे करें, इसके सॉइल मिक्स को कैसे तैयार करें, इसमें वाटरिंग कैसे करें, और खास साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कैसा फर्टिलाइजर दें, कौन सा फर्टिलाइजर दें जिससे इसकी पत्तियां जो है इस तरह से और भी ज्यादा हरी और चमकदार है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। मोर पंखी से संबंधित मैं आपको बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप तो जानते ही हैं मोर पंखी वास्तु के हिसाब से बहुत ही अच्छा पौधा माना जाता है। आप जानते हैं कि सरस्वती माता की सवारी मोर होती है, तो बच्चे इस प्लांट को उससे कनेक्ट करके देखते हैं। फ्रेंड्स, बच्चे क्या करते हैं, इसके इस तरह से ब्रांच या फिर पत्ती को कट करके अपने बुक्स में रखते हैं। वो सब मानते हैं कि इसकी पत्ती को अपने बुक्स में रखने से विद्या की माता सरस्वती उनसे प्रसन्न होकर उन्हें विद्या प्रदान करेंगी। फ्रेंड्स, आपने भी रखा होगा, मैंने भी तो रखा ही है। अब बात कर लेते हैं आप कैसे इसको लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, और आपके मोर की पंखी पर जब देखेंगे आपके मोर की पंखी पर बीज बने। फ्रेंड्स, मेरे मोर की पंखी पे बीज बने थे, पर मुझे उसकी जरूरत नहीं थी तो मैंने उसको हटा दिया, क्योंकि दोस्तों वो जो बीज बन रहे थे वो मेरे पौधे की आधी एनर्जी वही ले रहे थे। अगर आप बीज को लगाना चाहते हैं तो आप उसे स्टोर करके रख के बीज लगा सकते हैं। अगर आप बीज से नहीं लगा सकते हैं तो दूसरा तरीका है, आप देखेंगे कि आपके मोर पंखी की जैसे जड़ों के पास इस तरह से टहनियां निकली होंगी। आप इसको कट करके इस तरह से लगा सकते हैं। आप इसे सिंपल मिट्टी में या फिर ऐसे ही बालू में भी लगा सकते हैं, ये काफी अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी के बारे में। दोस्तों, आप इसकी मिट्टी कैसे तैयार करें। फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप गार्डन सॉइल में कंपोस्ट, बालू और नीम खली पाउडर को मिक्स करके इसकी अच्छी मिट्टी तैयार कर सकते हैं, जो मोर पंखी के लिए काफी अच्छी और सुटेबल होगी। मोर पंखी जो है कलमियों का प्लांट है, पर इसे ज्यादा धूप बर्दाश्त नहीं होती है, तो आप ये कोशिश करें कि इसे कम से कम बस 2 से 3 घंटे की धूप मिले, या फिर आप ऐसी जगह रखिए कि इसे सुबह धूप मिले। आप इसको ऐसी जगह ना रखें जिससे इसे दिन भर की धूप मिले, वरना आपका पौधा जो है वो सूखने लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप इन बातों का ध्यान रखिए तो आपका मोर के पंखी का जो पौधा है वह अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब बात करते हैं इसमें वाटरिंग के बारे में। ये एक ऐसा पौधा है जिसको ज्यादा वाटरिंग पसंद नहीं है। दोस्तों, आप इसे एक ही बार में पानी दें जिससे इसकी मिट्टी पूरी जो है पानी को सोख ले। अगर आप इसमें ज्यादा पानी भर दें तो इसकी जड़ों में फंगस लगने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप ऐसा पॉट लें जिससे इसमें ग्रेनेज होल ज्यादा हो। अगर आप इसमें पानी देंगे तो मिट्टी अच्छी तरह से पूरी सोख लेगी और ग्रेनेज होल में से पानी निकल जाएंगे, जिससे आपके पौधे में फंगस लगने का खतरा नहीं होगा। दोस्तों, और कभी कभी ये होता है कि इस तरह से ब्रांचेस निकले होती है नीचे की तरफ, और हम पानी देते हैं तो ये ब्रांचेस जो है पानी में डूब जाती है, जिससे फंगस लगने का खतरा बढ़ जाता है। अगर इस ब्रांच में फंगस लगेगा तो पूरे आपके पौधे में फंगस लग जाएगा। तो आप ये कोशिश करें कि आप इसको इस तरह से कट करके निकाल दें। ये देखिए, मैंने कट करके निकाल लिया। ऐसे आप कट करके निकाल लें जिससे आपके पौधे पर फंगस नहीं लगेंगे। अब बात कर लेते हैं आप मोर पंखी में ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर दें जिससे आपके मोर पंखी के जो ब्रांचेस है वह काफी घनी हो और उसकी पत्तियां और डार्क हरे रंग की हो। दोस्तों, आप मोर पंखी को टोपरी की तरह भी रख सकते हैं। आप इसे कोई भी शेप देंगे काफी अच्छा लगता है। आपने काफी गार्डन में देखा होगा कि मोर पंखी को टोपरी के शेप में भी रखते हैं तो काफी अच्छा लगता है। हालांकि उनका जो मोर का पंखी है का प्लांट है वो काफी बड़ा होता है और काफी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इसमें कौन सा फर्टिलाइजर दें। आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर नीम खली का पाउडर दे सकते हैं, या नहीं तो आप इसमें इप्सम सॉल्ट भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने मोर पंखी के प्लांट में इप्सम सॉल्ट। तो दोस्तों, आप पहले तो देखेंगे आपके मोर के पंखी का जो मिट्टी है उस तरह से सूखी रहनी चाहिए। ये देख सकते हैं आप, पहले तो इसको अच्छी तरह से गोल लीजिए। देखिए,
देखिए मेरी मिट्टी कितनी वर्जिन है और काफी जरूरी है, इससे इसमें पानी स्टोर नहीं होता है। अगर आपके मोर पंखी में पानी स्टोर हुआ तो आप जरूर ही आपके मोर के पंखी में फंगस लग जाएगी। ये मैंने खोल लिया है, अब आपको लगभग 1 इंच तक इसकी मिट्टी को निकाल लेना है। अब दोस्तों हम इसमें 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डालेंगे। ये देखिए एप्सम सॉल्ट है, ये आपको इजीली अपने मार्केट में मिल जाएगा। तो हम 1 चम्मच ये एप्सम सॉल्ट जो है मोर के पंखे के अब ये बची हुई मिट्टी हम भी इसी में डाल देंगे। अब हम इसमें पानी भी दे देंगे, वाटरिंग ऐसा करें कि जिससे इसकी मिट्टी जो है पूरी तरह से पानी को सोख ले। इसमें जो एप्सम सॉल्ट डाला है पानी डाल रहे हैं, तो जो एप्सम सॉल्ट है वो काफी अच्छे से इस पानी के साथ घुल मिल जाएगा, जिससे हमारे मोर पंखी का जो पौधा है वो काफी अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और इसकी उर्वरक क्षमता को हमारा पौधा जो है वो काफी अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसकी जो पत्तियां हैं वो काफी अच्छे से और गहरे हरे रंग की कलर होगी होगी और यह काफी अच्छे से खाना और सुंदर लगेगा। फ्रेंड्स, मैंने मोर पंखी से संबंधित जो भी जानकारी दी है आपको अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।